खुद की क्षमताओं पर हमेशा अपने को विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल 110%। अगर वो चूक गए तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप 110%। और बहुत नॉर्मल आदमी, नॉर्मल इंसान ही आगे जाते हैं, उन्हीं में से क्षमताएं होती हैं। आपने कहानी सुनी होगी उसकी, कार्लो टैकेस की, सुनी है किसी ने? वो हंगरी का जो एक 25, मैं आपको जल्दी से सुनाता फटाक से। कार्लो टैकेस एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार में, यूरोप की एक कंट्री है हंगरी, क्या हंगरी में उसका जन्म हुआ, क्या हुआ हंगरी में उसका जन्म, है ना? वो नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, उसको वहां पे मिलिट्री में काम मिल गया, उसको जवान वान बन गया, सर्जेंट कहते हैं उन्हें जो वहां पे बनते नॉर्मल, तो उसको बन गया। वो बहुत अच्छा शूटर था, क्या था? बहुत अच्छा शूटर, तो शूटर था, तो उसको बहुत भाई भाई भी मिलती थी। पर जब 1936 के ओलंपिक्स की बात आई या कुछ ऐसे बात आई, तो 1936 के ओलंपिक्स में उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय रूल था यूरोप में कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है, मतलब जो अपर पोस्ट वाले हैं, वही ओलंपिक्स में पार्ट ले सकते हैं। पर उसने अपनी काबिलियत इतनी दिखाई शानदार कि पूरे देश में विद्रोह हुआ कि नहीं, इसे ओलंपिक्स में जाना। 37-38 तक ये रूल हटा दिया गया हंगरी से कि सिर्फ जो है ऑफिसर्स ही जा सकते हैं किसी भी ओलंपिक गेम में, जो नॉर्मल जवान है वो भी। 1940 में सबको लगता था कि जो कार्लो टैकेस है वो कंफर्म ओलंपिक्स मेडल, गोल्ड मेडल लेके आएगा, कंफर्म। 1938 में जब वहां पे एक प्रैक्टिस चल रही थी हैंड ग्रेनेड की, किसकी? तो जिस हाथ से शूट करता था वो हैंड ग्रेनेड उसके हाथ में, और उसका हाथ कट गया, उसका हाथ कट गया। अब कट गया तो सब लोग लगा रहे इतना अच्छा आदमी जो था उसका कुछ नहीं रहा, बहुत डिप्रेशन में रहा थोड़े दिन वो। पर फाइनली 1939 में उनके एक इंटरनेशनल, मतलब जो नेशनल गेम्स होते हैं उसमें वो गया, तो जितने भी खिलाड़ी वहां पे थे उस हॉल में वो सब खड़े हो गए और उन्हें इस बात के लिए ताली बजाई कि देखो क्या जज्बा है कार्लो टैकेस का कि आज हमें मोटिवेट करने आया है। सबने बहुत ताली बजाई, जो वहां वक्ता थे उन्होंने भी उसके बारे में यही बोला। उसने माइक लिया और बोला, साहब मैं जो है मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं भी शूटिंग करूंगा। उसने बोला, शूटिंग करोगे? आपको तो हाथ ही नहीं है, आप तो राइट हैंड से शूट करते हो। उसने बोला, मैं पिछले एक साल से लेफ्ट हैंड से शूटिंग कर रहा हूं। सब लोग उस हाथ से शूटिंग करते थे जो उनका बेस्ट हैंड था, क्या था? बेस्ट हैंड। पर वो उससे शूटिंग करता था जो उसके पास सिर्फ ओनली हैंड था। 1939 के नेशनल गेम्स में फर्स्ट रहा वो, 1940 ओलंपिक्स और 1944 ओलंपिक्स सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से कैंसिल आउट हो गए, दोनों में चांस उसको। 1948 में गोल्ड मेडल लाया, 1952 में गोल्ड मेडल लाया, 1956 में नहीं ला पाया। पर दो साल वो सिर्फ उसी अपनी लेफ्ट हैंड से क्या लेके आया, गोल्ड मेडल। उसकी ओलंपिक की हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो टॉप 5 लोगों की जो मोटिवेशन स्टोरी है उसमें से कार्लो टैकेस की है। ऐसे ऐसे लोग हैं, आपके पास तो सब कुछ है। कई बार हम सोचते हैं हमारे पास यार ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अरे लोगों ने पता नहीं किसी से क्या क्या कर लिया, हमारे पास तो बहुत कुछ है। अगर आज आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोटा में आए हो, क्या बेस्ट फैसिलिटीज तुम लोगों को मिल रही है? चाहे तुम आप किसी भी कोचिंग में, पर ऐसा नहीं कि आपको कोई खराब चीजें मिल रही है, आपको बहुत अच्छी चीजें मिल रही है। इसलिए कभी भी इस बात को अपने को दोष देने की आवश्यकता, बहुत नॉर्मल नॉर्मल लोग ऊपर आए हैं लास्ट